स्कूल है आप बड़ी मेहनत करते हैं ये मतलब, और ये सिंसेरिटी में इतनी ज़्यादा वो है कि जो भी यहाँ पे कूड़ा कर रहा है ना, इसका कोई वो इंटरनल चार्ज ऐसे नहीं पड़ता है। तो ये जो प्रोग्राम योगा का होता है ना यहाँ पे, जिससे बेसिकली कि आप अपनी हेल्थ को शुरू से ही ऐसा मेंटेन कर सके कि आपको कोई बीमारी लगे ही ना, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ऑफ इस प्रोग्राम। उसमें हमारे तीन तरह के सिद्धांत थे कि हम एक कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें, एक हम हो रहा है खान पान भी को, और थर्ड वन इज दैट वी शुड बी स्ट्रेस फ्री। तो ये आपको बता रहे कि ये जो ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है इस प्रोग्राम को चलते यहाँ पे, और बेसिकली इज द वेरी नेचुरल प्लेस, एवरीबॉडी शुड कम हियर वेल बिफोर टाइम, 7 बजे आ जाओ यहाँ पे, सो दैट यू कैन एंजॉय द प्लेस ऑल्सो। ग्रीनरी है यहाँ पे तो उसका बड़ा महत्व है। तो बेसिकली आपसे जो मैं थोड़ा सा बातें बताना चाहता हूँ, वो एक तो ये है कि आप थोड़ा सा टाइम पे आया करिए, ताकि हम टाइम पे शुरू करें और उसको टाइम पे ही खत्म करें। और दूसरी बात ये है कि ये प्रोग्राम में आपने पूरी तरह से शामिल होना है, ये नहीं सोचना कई लोग को ग्रुप में अपना डाल दिया कि हम आएंगे और आए भी नहीं है। यू कैन जस्ट इमेजिन दैट हाउ मच ऑर्गेनाइजर्स दे आर टेकिंग एफर्ट्स टू मेक अरेंजमेंट्स, एंड इफ द पर्सन इज कंफर्मिंग दैट ही विल कम ही डजंट कम, व्हाट इज दिस? सो हम कुछ कह तो सकते हैं लेकिन रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो वी आर ग्लैड दैट मेनी पीपल हैव कम टुडे एंड यू रिक्वेस्ट यू टू मोर पीपल, वी डोंट माइंड एनी नंबर ऑफ पीपल, लेकिन इसका लाभ है ये हम जो चाहेंगे और इसको एंजॉय करेंगे, ये नहीं सोचना कि ये हमारे लिए मजबूरी है। कई लोग सोचते हैं कि योगा तो वैसे ही है, हम जो भक्ति के काम करते हैं अपने यहाँ पे, नहीं, योगा भी उतना ही जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसका लाभ जो है ना आपको लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ में ज्यादा पता चलेगा। तो वृक्षारोपण, वृक्षारोपण 3 बार करते हैं।